नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुशील चौहान आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को गाजीपुर का 4 लेन रोड दिखाने वाला हूं। तो मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहेगी। दोस्तों, अभी मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम है सुशील चौहान 321। लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आइए हम आपको गाजीपुर का 4 लेन रोड दिखाते हैं। दोस्तों, ये है गाजीपुर का 4 लेन रोड, जो कि पूरी तरीके से बनकर तैयार है। तो आइए आज हम आप सभी को इसी 4 लेन के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बनारस से गाजीपुर आने जाने वाले लोगों को सुगम यातायात नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब इस 4 लेन के बन जाने के कारण ये आसानी से बनारस से गाजीपुर जा सकते हैं। इस 4 लेन में कुल 72.15 किलोमीटर का निर्माण कार्य प्रस्तावित था। इस परियोजना के सिविल कार्य के लिए लगभग 86,850 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। पूरी तरीके से बनकर तैयार है। परियोजना सितंबर 2019 तक पूर्ण होनी थी, लेकिन अधिग्रहण की जटिलताओं के कारण इस प्रोजेक्ट पर ब्रेक लगा दिया गया था। जमीन संबंधित विवाद के चलते ही वाराणसी से जौनपुर और वाराणसी से आजमगढ़ आदि हाईवे को 4 लेन बनाने का कार्य प्रभावित हुआ था। वाराणसी से गाजीपुर 4 लेन का कार्य 2020 तक पूरा हो गया था। फाइनली दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।